ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। तो हम आप सबको स्वागत करते हैं श्रील प्रभुपाद की जन्मस्थान कलकत्ता में। श्रील प्रभुपाद आपको सबको स्वागत किए हैं उनके जन्मस्थान में। तो इस बार भारत सरकार ने ऐसे अनाउंसमेंट आयोजन किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का। तो उससे हमको समझ में आया कि हमको भी अमृत महोत्सव करना चाहिए। और ये जो अमृत महोत्सव है, कथा का प्रसंग है, ये हमको सही में आज़ादी दे सकता है। कौन आज़ाद होना नहीं चाहता है? हर व्यक्ति आज़ादी के पीछे भाग रहा है। और रियल सही आज़ादी है कि हम ये भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। तो भगवान की लीलाएं अत्यंत रोमांचक हैं। और सुखदेव गोस्वामी 8वें स्कंद में भगवान की मनवंतर लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग मनुएं, अलग अलग ये सारे ब्रह्मांड की जो मैनेजमेंट है, परिचालना है, उसको देखभाल करने के लिए भगवान मनुओं को और मनुपुत्रों को आयोजित करते हैं, नियोजित करते हैं। तो जिस तरह हमारे 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर पंचवर्षीय योजना या फिर 5 वर्ष का हरे कृष्ण कार्यकाल रहता है, तो उसी तरह पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक मनवंतर का कार्यकाल में है। कार्यकाल का जो काल है उसका एक मनवंतर है। और मनवंतर का आयु है 71 दिव्य युगा, मतलब 4 चतुर्युग मिलके एक दिव्य युग, और उसका 71 गुना करेंगे तो जो होता है तो एक। हम सब 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितना, और अगर कोई 5+5 10 साल हो जाता है सेकेंड टेन्योर, 7वें साल में हमारा मोबाइल में इतने, उनको मेल आईडी कैसे मिलता है? डेटा इज रियली नॉट प्राइवेट। तो हर दिन अलग 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 आता है कि हर साल उन्होंने क्या किया। तो हम देख सकते हैं कि इस जो ब्रह्मांड की कार्यकलापें चल रही है, इसको चलाने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। जैसे कोई भी बड़ा डॉक्टर है, जैसे आज सुबह प्रभु जी हमको बता रहे थे, बहुत सारे डॉक्टरों के पास आप जाएंगे और पूछेंगे कि ये बीमारी क्यों हो रहा है, भगवान जाने ये बीमारी ठीक कैसे होगा, राम जाने। इट्स ऑल नो ऑफेंस टू द डॉक्टर्स। ये बीमारी ठीक कैसे हो गया,
नहीं 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 मैंने ठीक किया, फीस आप मेरे को भर रहे हैं। और वो गुजर कैसे गए आप? अगर अब क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है 95% सक्सेस है, 5% प्रोबेबिलिटी, तो चलता ही है। तो इस तरह ये तो केवल एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, जो कुछ भी इस दुनिया में हम देखते हैं, कोई किसी का भी सामर्थ्य नहीं है इस दुनिया को परिचालन करने का। दुनिया छोड़ दीजिए, परिवार परिचालन करने का, पत्नी को परिचालन करने का, पति को परिचालन करने का किसी का सामर्थ्य नहीं है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं। पति का मुंह खुलेगा तो पत्नी और पत्नी का मुंह खुलेगा तो इस तरह ब्रह्मचारी जीवन कितना एंग्जाइटी फ्री है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो परिवार को परिचालन करना, बच्चों को देखभाल करना, कोई भी कार्य हो भगवान के सहायता बिना हो नहीं पाता है। तो ब्रह्मांड की परिचालना तो भूल जाइए। तो ये मन्वंतर अवतार जो हैं, जो आठवें स्कंद में भगवान की मन्वंतर अवतारों के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, इनका कार्य है कि भगवान की जो परिचालना भगवान ने बनाया है उस परिचालना को सही तरीके से करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि इंद्र की पदवी में बैठने के लिए कोई इंद्र ही नहीं है, मतलब क्वालिफाइड, योग्य नहीं है, तो भगवान खुद इंद्र बन जाते हैं। तो इन सारे लीलाओं को भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो हम पहला श्लोक, आई हैव सेड सम, ओह कुशल बिहारी ब्रो, आई सेंड यू व्हाट्सएप, यू डिडंट पुट इट इन ग्रुप। तो आठवें स्कंद पांचवा अध्याय प्रथम श्लोक, आठवां स्कंद, आपके ग्रुप में आ गया होगा, ओ इतना सारा आ रहा है। ओके खुल गया सबका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयं मुदीरये, ततो जयं मुदीरये। श्रीशुक उवाच, श्रीशुक उवाच, राजन् उदितमेतत्ते, राजन् उदितमेतत्ते, हरेर्कर्माघनाशनम्, गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यं, गजेन्द्र मोक्षणं पुण्यं, रैवतं त्वांतरं शृणु, रैवतं त्वांतरं शृणु। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, राजन उदितम एतत्ते हरे कर्माघ नाशनम, हरि की लीलाएं कर्म अघ नाशनम, कोई भी कर्म कीजिए, अघ मतलब पाप, उससे परिणत होता ही है। कोई भी कर्म आप कीजिए, झाड़ू लगाइए, लगाते हैं ना कि सब घर में,
तो उसी में ही अनेक अनेक प्राणी का हत्या होता है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। तो अघ पाप, आप खुद स्नान कीजिए, कितने सारे प्राणियों का हत्या हो जाता है। खुद प्रसाद खाइए, प्रसाद बनाइए, चलिए, कुछ भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी कर्म इस संसार में हम करते हैं, अघ इज द नेचुरल रिजल्ट, सिन इज द नेचुरल रिजल्ट। वी कैन नॉट स्टॉप कमिटिंग सिन। और भगवान की लीलाएं इधर वर्णित है, हरे कर्माघनाशनम, कर्म की सारी, कर्म से जागृत जितने सारे पाप कर्म हैं, सब कुछ भगवान की लीलाओं की केवल श्रवण मात्र से शुद्ध हो जाती है। और यही अमृत है। भगवान जो अघ है, पाप है, हमारे हृदय की सेवा भाव को, जैसे विष हमको हमारे शरीर को मारता है, और जो अघ है, पाप है, वो हमारी सेवा भाव को मार देता है। और भगवान की लीलाएं क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव जागृत करता है, इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण को अमृत महोत्सव बोला जाता है। भगवान की हरि कथा जो भी ध्यान पूर्वक सुनता है, द नेचुरल रिजल्ट इज वो सेवा करेगा। क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के जन्मस्थान में बैठे हुए हैं, तो हम उदाहरण सब श्रील प्रभुपाद की गुणगान के लिए बताएंगे। आप सबको पता होगा श्रील प्रभुपाद जो किए वो अचिंत्य है, उनकी लीलाएं कोई समझ नहीं पाएगा। किस तरह श्रील प्रभुपाद विदेश में, अभी जो कलकत्ता की स्थिति है, हमको देख के सुन के लगता है राम 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 राम। और उस समय विदेश की परिस्थिति और भी खराब था। बावरी स्ट्रीट में श्रील प्रभुपाद जी के जो क्लास में बैठे हुए रहते थे, वो सब ड्रग एडिक्ट रहते थे, और नाक बंद करने से भी बदबू घुस जाता था। आपको पता है, हमको पता है, हम बहुत साल पहले जब पढ़ाते थे, सुबह सुबह विंटर सीजन का सुबह सुबह क्लास लगता था, और कोई स्नान करके नहीं आता था बच्चे लोग। और सुबह के क्लास में हम कभी भी प्रश्न नहीं पूछते थे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए खोलेगा मुंह तो पूरा क्लास बदबूदार हो जाएगा। तो ये हमारी परिस्थिति है, और हम तो दूर ही खड़े रहते थे। बाकी जब शाम में क्लास रहेगा, हम चल चल के देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स क्या लिखा है। पर जब सुबह का क्लास होता था, हम दूर। और सर्दी के मौसम में तो शायद 6 दिन 7 दिन, हाल ही में हम एक गृह में, एक जन के घर में क्लास लेने गए थे, और छोटे से बच्ची और बच्चे हैं, तो हम हरे कृष्ण बोले, थोड़ा हैंडशेक किए, सब बैठ गए सब कुछ, और क्लास हो गया, सब समाप्त हो गया। फिर उनकी माता हमको बताती हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा बताइए, आप मेरे बेटे बेटियों को थोड़ा सदुपदेश दीजिए। मैं बोला क्या सदुपदेश दूं, नहाते नहीं है प्रभु जी। तो हम फिर हाथ को सैनिटाइज किए। तो हमने बोला कि पहले बोल देना था, हमने हैंडशेक कर दिया। तो ये स्थिति हो गया है। आईआईटी में तो पहले हम जब थे तो जी टॉक होता था, अभी तो और उस समय और कोड जी टॉक होता था। उसमें स्टेटस, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस रहता है, उसमें स्टेटस बच्चे लोग डालते थे, 108 डेज के लिए हमने स्नान नहीं किया। ये एक अविस्मरणीय अचीवमेंट। और कुछ कुछ लोग तो उसी जीन्स को 6 महीना पहनते थे। और सोचिए कि बावरी स्ट्रीट में
वो जो पहनते थे वो सालों साल तक चेंज नहीं करते थे, उसी में नंबर वन नंबर टू सब कुछ करते थे और ऐसे ही गिरे पड़ते थे, और पूरा बाउरी स्ट्रीट का दो ही गंदगी सुगंध या फिर दुर्गंध जो भी बोलेंगे वो निकलता था, वो था मूत्र और शराब। और इस तरह के लोग श्रील प्रभुपाद के कक्षा में आते थे, और श्रील प्रभुपाद बिना नाक बंद किए कक्षा भी देते थे। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी कथा करते थे, कथा के बाद प्रसाद होता था, प्रसाद खा के सब चले जाते थे, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद खुद प्लेट मांजते थे, क्योंकि पत्तल वत्तल पैसा तो नहीं था, और पत्तल अगर करेंगे तो बहुत पैसा और लगेगा, प्लेट रखने से क्या है, इट इज रीयूजेबल। तो श्रील प्रभुपाद खुद प्लेट धोते थे, और जो कक्षा में आते थे वो कुछ नहीं समझ पाते थे कि क्या बोल रहे हैं स्वामी जी। श्रील प्रभुपाद की बंगाली एक्सेंट सो ना, और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत बोल रहे थे इन लोगों के लिए। पहला कक्षा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है, पर भगवान की लीलाओं का शक्ति देखिए, इतना अमृतमय है। एक बार सब लोग चले गए, एक व्यक्ति रुक गया देखने के लिए कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, और जाके देखे कि बहुत सारे बर्तन को स्वामी जी साफ कर रहे हैं। और ये व्यक्ति बोले कि स्वामी जी कैन आई डू समथिंग, एंड श्रील प्रभुपाद उत्तर दिए कि आई वॉज लुकिंग फॉर दिस डे, कोई तो आएगा। पर ये अमृतमय हमारी जो अंदर हर व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, क्योंकि जीवात्मा का नेचुरल स्वाभाविक है सेवा करना। और एक बार बहुत सारे लोग उसी तरह के ड्रग एडिक्ट्स क्लास ले रहे को क्लास दे रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, और एक व्यक्ति उठ गया और तुरंत टॉयलेट में चला गया, और टॉयलेट में चला जाके फिर बाहर निकल गया, और बाहर निकल के बहुत समय के बाद कक्षा ऐसे चल रहा आके श्रील प्रभुपाद को गिफ्ट कर रहा है कि स्वामी जी आपके टॉयलेट में टॉयलेट पेपर नहीं है, ये रखिए अच्छा रहेगा, और पूरा पिया हुआ है। और श्रील प्रभुपाद बताए कि दिस सर्विस एटीट्यूड इज देयर इन एवरी लिविंग एंटिटी, एंड अघा जो पाप होता है हमारी सेवा भाव को ढक देता है, इसीलिए अघा विष जैसा है। और हरि कथामृतम, हरि की कथा कर्माघनाशनम है, क्योंकि हमारे हृदय की जो सेवा भाव जो इंद्रिय वासनाओं से इंद्रिय भोग से पाप कर्म से विषाक्त होके मर गया है उसको पुनः जीवित करने में सक्षम रखता है। और देखिए सेवा में जो आनंद है वो भोग में नहीं है। उदाहरण की बात है, आज सुबह हम खुद रसगुल्ला नहीं खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, और एक भी रसगुल्ला आज नहीं खाए, पर हर व्यक्ति को दो तीन करके दिए। और अगर आप रसगुल्ला खाने में आनंद लेंगे तो आप सब कितने मैक्सिमम, कौन सबसे मैक्सिमम खाया आज सुबह, वो कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन सब 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 तीन चार पांच वेरी गुड, पांच रसगुल्ले। तो पांच के बाद और शायद हो नहीं पाएगा बिकॉज बाकी आइटम भी था। तो पर अगर कोई रसगुल्ला वितरण करने में आनंद लेगा तो कितना कर सकता है, सौ। जितना
कितना भी, करेक्ट। तो अगर हम और हम सब कितना देर तक आनंद में रहना चाहते हैं, 5 मिनट अनलिमिटेड, कभी भी हम दुख में नहीं रहना चाहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि अगर मेरे को शाश्वत आनंद चाहिए, सबका सेवा कीजिए, पहले पत्नी का सेवा कीजिए, जीवन भर कर सकते हैं, पति का सेवा कीजिए, बच्चों का सेवा कीजिए। और सेवा भाव रखने से हम कितना भी कर सकते हैं, पर ये शरीर और मन खुद की भोग के लिए लिमिटेड बनाया है भगवान ने, क्योंकि भगवान ये शरीर से हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि शरीर भोग के लिए नहीं बना है, सेवा के लिए बना है। और भगवान इस लीला, समुद्र मंथन लीला से ये दिखाना चाहते हैं। इस समुद्र मंथन लीला में हम कथा सुनेंगे, आगे जाके भगवान सब कुछ कर रहे करेंगे। आप देखेंगे जितने सारे चीजें हैं भगवान ही कर रहे हैं, असुर देवता कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पर्वत लेके आए, वो भी लेके नहीं आ पाए, गिरा दिया। फिर भगवान ने गरुड़ गरुड़ लेके आए, सब पर्वत को डाले, देवताओं को एक पंखे में, देवताओं को डाले एक पंखे में, गरुड़ जी के असुर को डाले और बीच में बैठ गए और पर्वत को पकड़ लिए और फिर चले। फिर जहाँ पे एक पर्वत को रखना था रख दिए, सब कुछ कर लिए। उसके बाद पर्वत रखने के बाद भगवान बोलते हैं, गरुड़ जी आप जाइए, नहीं तो सांप आएगा, कैसे आएगा वसुकी, आप नहीं जाएंगे तो। फिर आया, फिर उसके बाद वो भी घुस गया अंदर, फिर भगवान कच्छप अवतार लिए और वो भी टलमल टलमल कर रहा था, तो भगवान और एक अवतार लेके ऊपर बैठे। तो पूरा लीला में हम जब सुनेंगे विस्तार रूप से, देखेंगे कि भगवान संपूर्ण लीला में सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और क्रेडिट जा रहा है देवताओं को और असुरों को। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो प्रिंसिपल है, ये समुद्र मंथन लीला की शीर्षक प्रिंसिपल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं हम खुद क्रेडिट ले लेते हैं, पर कार्य का संपूर्ण करने का सब कुछ ठाकुर जी हैं। मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जब सुकृति माता जी को इस बार बोले कि केक बनाना है, तो माता जी बोले यात्रा है कैसे बनाएंगे, बिकॉज केक बनाने के लिए तो पूरा दिन लग जाता है, यात्रा में जाके तो बना नहीं सकते। मैं बोला ठीक है अर्चना माता जी को बता देता हूँ, आप कुछ और आइटम बनाइए। तो फिर अर्चना माता जी बना दी कुछ केक, और वो उनको भी जाना था कहीं तो टूर में, तो वो बना के दे दी। तो हम केक लेके आके फिर सुकृति माता जी को दे दिए, और फिर सुकृति माता जी वो केक को फ्रिज में रख दिए, और 25 तारीख को वो खुद वो केक को उठा के लेके आए। ये है समुद्र मंथन लीला। तो ये लीला का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम सीख रहे हैं, और उनको सब माता जी आज इस बार तो बहुत अच्छा केक बना है। यस प्रभु जी, मेरे को पता है। कोई भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अगर सही में वो बुद्धिमान हो, कोई भी बड़ा कवि हो, अगर सही में वो बुद्धिमान हो, कोई भी बड़ा चित्र अंकित आर्टिस्ट हो, अगर सही में वो बुद्धिमान हो, उसको पता है कि वो खुद नहीं कर रहा है। आर्किमिडीज जब बैठे थे, यूरेका यूरेका चिल्लाए,
बट यूरेका का स्रोत कौन है, कौन एक्चुअली यूरेका चिल्ला रहा है? वो है परमात्मा। और हम उसको सुन के परमात्मा को, भगवान को जो हमारे हृदय में विराजमान है, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो ये लीला भगवान की सेवा भाव और भगवान की आग्रह सेवा अमृत को पान करने का विषय में बताया गया है कि सेवा का अमृत इतना मीठा है, इतना मीठा है कि भगवान खुद आ जाते हैं, लीला करते हैं ताकि वो सेवा कर पाए। तो सुखदेव गोस्वामी इसीलिए इस अध्याय में और आगे जाके बताते हैं कि ये लीला भगवान की सेवा भाव के बारे में बताता है। इट शोज दैट हाउ लॉर्ड इज एक्सट्रीमली ईगर टू सर्व। तो पहला शिक्षा और पहला कारण जिसके लिए इसको अमृत महोत्सव बोला जाता है कि यह है कि इस लीला में हम शिक्षा प्राप्त करेंगे कि सेवा अमृत कितना मीठा है कि भगवान खुद आ जाते हैं। एक बार कृष्ण श्रीमती राधा रानी से पूछे कि आप मेरे चरण की सेवा इतना क्यों करते हैं? तो श्रीमती राधा रानी बोली कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चरण की सेवा में मिठास कैसा है, आप तो खुद अपना चरण नहीं बदलवाते। और इसीलिए भगवान बट वृक्ष शाही बन जाते हैं और खुद अपना चरण को मुख में डालते हैं, ये पता लगाने के लिए। आप सबको पता होगा बिल्वा मंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर गाना लिखा है, करारविंदे न पदारविंदम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो करार विंदे भगवान की कर में, पदार विंदम अपने मुख पैरों को पकड़े हुए हैं, मुखार विंदे विनिवेश यंतम मुख में घुसा रहे हैं। और क्यों घुसा रहे हैं? कि देखने के लिए, समझने के लिए कि मेरे चरण की मिठास क्या है कि मेरे सारे भक्त लोग मेरा सेवा कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं और ये सेवा मृत को पान करना जीवन का लक्ष्य है। और जितना हम, हमारे हृदय में पाप वासनाएं रहेंगी उतना हम सेवा देख के डर के भाग जाएंगे, बाप रे मैनेजर आ गया, देख लेगा तो सेवा दे देगा। और जितना हम देखते हैं कि आधुनिक समाज चार नियमों को भंग कर रहा है, पाप कर्म में ज्यादा से ज्यादा लिप्त हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सेवा भाव घटते जा रहा है। लोग, माता अपने बच्चों को भी सेवा नहीं कर रहे हैं, परिवार परिवार में ही आपस में लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बाहर में तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए अमृत महोत्सव। और दूसरा कारण इसका, इस लीला का अमृत महोत्सव ये है कि इस लीला से हमको भगवान की भक्त वात्सल्यता के बारे में पता चलता है। भगवान की प्रेम की अमृत इस लीला में बताया गया है, किस तरह भगवान सेवा अमृत पान कर रहे हैं और भगवान अपने भक्तों को प्रेम अमृत पिला रहे हैं। देवता लोग ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त हैं, हम जैसे ही हैं। देवताओं, देव जैसे हम, उनके प्लेट में अगर 3 रसगुल्ला है, मेरे प्लेट में 1 भी नहीं है, तो हमारे हृदय में जो भी होता है, मैं
भी तो रजिस्टर किया था। पवन प्रो के साथ झगड़ा कर दिया था क्या कभी? हमने भी तो फीस दिया है, उनको रसगुल्ला मिला और मेरे को क्यों नहीं मिला? तो देव प्रवृत्ति मतलब, शुद्ध भक्त मतलब वो केवल सेवा करना चाहते हैं, और असुर मतलब केवल भोग करना चाहते हैं। भगवान के सुर से जो सुर नहीं मिलाते वो है असुर। केवल, जैसे भगवान कुछ नियम कानून बनाएंगे, असुर लोग बोलेंगे ये नहीं पालन करेंगे, है कि नहीं? हमने देखा है कि भगवान जो जितने सारे जो भी सारे लीलाएं हैं, असुर लोगों का प्रमुख कार्य है कि उल्टा करें। भगवान ने हॉर्स बनाया और हमने हॉर्स पावर बनाया, और भगवान के हॉर्स से नंबर टू गिरता है वो बायोडिग्रेडेबल है, और हमारे हॉर्स पावर से जो धुआं निकलता है वो क्या क्या कर लेता है। देखिए हमने कितना अच्छा दिमाग लगाया है। तो असुर लोगों की ये प्रवृत्ति है कि भगवान जो कर रहे हैं उससे हटके कुछ हम करेंगे, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो प्रकृति को विरुद्ध होके कुछ कुछ हो जाएगा, और फिर उसी के अंदर हम जकड़ जाते हैं। ये असुरों की प्रवृत्ति है। पर देव प्रवृत्ति क्या है? वो भगवान की नियम कानून के अनुसार आनंद उपभोग करेंगे, और शुद्ध भक्त केवल सेवा करना चाहते हैं। तो देवता लोग आनंद उपभोग करना चाहते हैं, पर भगवान उनके प्रति इतना वात्सल्यता दिखा रहे हैं, इसीलिए इस ये जो पूरा प्रसंग है इसका नाम है अमृत महोत्सव। और तीसरा है, हम सब कथा सुनने वालों के लिए ये कथा अमृत है, जो कथा को सुन के हम अत्यंत आनंदित हो सकते हैं, हमारा मन उल्लसित हो सकता है, और हमारा हृदय में जो काम वासना है वो मिट सकता है। और भगवान की कथाएं अनंत है। सुखदेव गोस्वामी आगे जाके श्लोक में, आप सब उच्चारण कीजिए नेक्स्ट जो श्लोक लिखा हुआ है, तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमो दया भौमान रेणु सभिममे यो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान। तस्यानुभाव कथित गुणाश्च परमोदया, भगवान की गुण परमोदय इतने सारे हैं, भौमम रेणु सभिममे, ऐसा अगर होगा कि इतना बड़ा हम क्रशर आयोजन करेंगे जो पृथ्वी को क्रश करके पूरा पाउडर बना देगा, और सब बड़े बड़े लोगों को लगा देंगे उस जो पाउडर बना, डस्ट बना, उसको गिनने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई इतने बड़े विद्वान आ जाए जो पृथ्वी की सारी पाउडर गिन ले, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो भगवान की सारी गुणों को और लीलाओं को गिन के बोल पाए। इसलिए हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। भगवान की लीलाएं इतने आनंदित है, इतने रोमांचक है, और इतने सारे हैं, हम खुद ही हैरान हैं कि इतने सारे लीलाएं हैं भगवान के। एक बार हम देख रहे थे कि कितने सारे हमारे गोस्वामी लोग किताबें लिखे हैं, लीलाओं की किताबें लिखे हैं, उसको पढ़ने के लिए एक जीवन काफी नहीं है। तो कितना आनंद है भगवान की कथा अमृत में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऐसे बता रहे हैं। और ये भगवान की कथामृत, नेक्स्ट श्लोक, त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं
तो चित्त की ताप पूरा चला जाता है केवल भगवान की कथाओं को सुनने में। और चित्त की ताप क्यों चला जाता है? क्योंकि चित्त की ताप हमारी भोग प्रवृत्ति से जागृत होता है और भगवान की लीलाओं का श्रवण से हमारी भोग प्रवृत्ति सेवा वृत्ति में परिणत हो जाता है। तो कहानी ऐसे फिर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि बताते हैं कि इंद्र एक बार ऐसे घूम रहे थे, विहार कर रहे थे ऐरावत के ऊपर बैठ के। और जब इंद्र विहार करते हैं, जैसे प्रभु जी हमको माला पहनाए, अलग अलग लोग माला पहनाते हैं, बहुत सारे लोग माला पहनाते हैं। हमने देखे हैं कभी कभी पॉलिटिशियन लोग आते हैं तो कितना सारा माला पहनाया जाता है, हर व्यक्ति आके माला पहनाता है और फोटो खींचता है और उस फोटो को सेव करके रखता है। जिस गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है, देखिए सर आप बड़े आदमी हैं, काम कीजिए मेरा। तो माला पहनाना बहुत पॉलिटिशियन लोग को, और इंद्र सोचिए वो तो पूरा ब्रह्मांड के पॉलिटिशियन लोग हैं, तो कितने बड़े बड़े लोग उनको माला पहनाते होंगे। पर एक बार इंद्र जब विहार कर रहे थे, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को माला पहना दिया। और माला पहनने के बाद इंद्र ने क्या किया, वो माला को निकाल दिया। शायद ज्यादा माला होगा, कुछ होगा, भारी लग रहा होगा, या फिर माला सड़ गया होगा कि दुर्वासा मुनि क्या माला देंगे। दुर्वासा मुनि को तो कुछ भी ना गंध ना सुगंध ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। चारों दिशाओं का कपड़े पहनते हैं। सोचिए कितना हमारी संस्कृत इतना सभ्य भाषा है। सोचिए दुर्वासा मुनि क्या पहनते हैं, चारों दिशाओं का कपड़ा, मतलब नंगे हैं। ये संस्कृत की सभ्य भाषा है, नंगा नहीं बोल सकते, चारों दिशाओं से ढका हुआ है। और दुर्ब घास लेते रहते हैं और वो माला लेके आएंगे। वो गए थे वैकुंठ या कहां पे घूम के, भगवान की प्रसादी माला जो थोड़ा सूख गया होगा, और इंद्र को जो पहनाए, इंद्र सूंघे के क्या सड़ा हुआ माला दे। तो इंद्र उसको निकाल दिए और ऐरावत को दे दिए। ऐरावत के खाने की लायक भी नहीं था वो माला। हाथी तो वेजिटेरियन है, माला भी खा सकता है। हमारे गौशाला में तो गाय लोग भी खाते हैं, मतलब हाथी भी खा सकता है। ऐरावत को इतना खराब लगा वो माला, उसके खाने लायक भी नहीं था। ऐरावत ने डाल दिया और उसको कुचल दिया, और वो भी दुर्वासा मुनि के सामने। पहली बार शायद दुर्वासा मुनि श्राप नहीं दिए, हंस के चले गए। सोचिए दुर्वासा मुनि सोचने लग गए कि ये इसको श्राप देने की जरूरत ही नहीं है। और इंद्र बस कंटिन्यू किए अपना विहार। और कुछ ही दिनों में असुर लोग आक्रमण किए, उनको पता चला ऐसे हुआ है। देखिए असुर लोगों का रॉ इंटेलिजेंस, मतलब ISI कितना प्रबल, कितना शक्तिशाली है। सोचिए ये कहां हो रहा है, असुर लोग पूरा दूसरे लोक में बैठे हुए हैं। आज की ताजा खबर, दुर्वासा मुनि को अपमानित किए, इंद्र उनकी गार्लैंड को इधर उधर फेंक दिए, सब जगह फैल गया। और असुर लोग तुरंत आक्रमण किए और असुर लोग बलि महाराज उनके राजा थे, असुर लोग इंद्र को हरा दिए। देवता लोग आधे मर गए, कोई कोई देवता का फ्रैक्चर हो गया, कोई कोई मेडिकल में एडमिट हो गया, सब हालत खराब होके असुर लोग फिर राज्य संभालने लग गए पूरा ब्रह्मांड में। और असुर लोग जब राज्य संभालते हैं वो क्या करते हैं, जितना लोगों को आप मारेंगे उतना आपका प्रगति कम करवाएंगे, पुण्य बढ़ाएंगे। आप मर्डर कीजिए, क्राइम कीजिए तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आप हरिनाम कीजिए, यात्रा अटेंड कीजिए, आपका पाप अकाउंट बढ़ाएंगे।
सोचिए, ये असुर लोग जब पावर में आते हैं ऐसे करते हैं। तो ये सब होने लग गया और ब्रह्मा जी के पास सब चिंतित होके सारे असुर लोग ब्रह्मा जी के सुमेरु पर्वत के ऊपर पहुंचे और सुमेरु पर्वत के ऊपर बहुत बड़ा 1,00,000 योजन का ब्रह्मा जी का ऑफिस है। 1 योजन 8 मील, 8,00,000 मील का ऑफिस। ये ऑफिस है, घर नहीं है। तो उतना बड़ा ऑफिस में ब्रह्मा जी का पूरा सब कुछ कार्यालय सब कुछ है। उधर पहुंचे देवता लोग, जब पहुंचे ब्रह्मा जी व्यस्त थे, ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी देखे कि देवता लोग किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, मुख सूख गया है, तो सूझ गया है, काला पड़ गया है ऐसे। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब देखे अत्यंत दया भाव से ब्रह्मा जी पूछने लग गए क्या हो गया क्या हो गया। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो ब्रह्मा जी, ये हम महत्वपूर्ण, ब्रह्मा जी के पास शक्ति है सब कुछ करने का। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी के पास शक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी ये सब टॉम डिक एंड हैरी है और ऐसे जो हम जो वार्ड काउंसलर के पास जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, वैसे नहीं। ब्रह्मा जी कोई वार्ड काउंसलर नहीं है। ब्रह्मा जी का ऑफिस अगर इतना बड़ा है, ब्रह्मा जी इज द मैन फॉर द एंटायर यूनिवर्स। उनके पास संपूर्ण शक्ति था पूरा सिचुएशन को ठीक करने का, पर ब्रह्मा जी को पता था कि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, देखिए एक छोटा सा परिचालना में इतना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, ये दिस इज मैनेजमेंट। तो ब्रह्मा जी के पास संपूर्ण शक्ति था, पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का गुणगान करते हुए कि ब्रह्मा जी ने खुद प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान का शरणागति करने के लिए प्रेरित किया। हमारे पास योग्यता नहीं रहता है और योग्यता नहीं होते हुए भी हम सबको बोलते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुमको सब कुछ कर लूंगा, करेक्ट। पर भगवान लीला में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास संपूर्ण योग्यता था, पर फिर भी ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति करने के लिए देवताओं को प्रेरित करते हैं। श्लोक, नेक्स्ट श्लोक हम उच्चारण करेंगे। अहम् भवो यूयमथो सुरादयो, मनुष्य त्रिर्य द्रुम घर्म जातया, यस्यावताराम सकला विसर्जिता, व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। अहम् भवो यूयम् अथो सुरादेव, मैं शिवजी और सारे आप सब लोग, जितने सारे मनुष्य हैं और जितने सारे पेड़ पौधे कोई भी है, सब की शरण भगवान ही है और आप मेरा शरण लेने आए हैं। मैं क्या शरण दूं, भगवान का शरण लेने हैं। हम सब मिलके जाते हैं भगवान का शरण लेने के लिए। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी को ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द यूनिवर्स और दिस इज द रोल ऑफ फादर एंड मदर। पेरेंट्स का सबसे प्रमुख कार्य है अपने बेटा बेटियों को समझाना कि हम आपके पिता माता नहीं है,
भगवान राधा कृष्ण आपके माता पिता हैं, हम उनकी प्रतिनिधि बन के वो जो कार्य करवाते हैं वो करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे हमारे आसक्ति नहीं जागृत होता है, पर हम अपनी सेवा के जैसे उसको कर सकते हैं। पर अगर आसक्त जागृत होता है तो आसक्ति के साथ एक्सपेक्टेशन भी जागृत होता है कि मैंने इतना किया मेरे बेटे को, मेरा बेटा ने ऐसा कर दिया, पढ़ाया पोसा सब कुछ किया, बड़ा किया, सब छोड़ छाड़ के ऐसा बन गया। ऐसे बन गया और आप सब इतने बुद्धिमान है कि उस तरह के जो अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाया वो क्या धर्म शिक्षा देगा। माता पिता का धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, और उन बूढ़े माता पिता को त्याग करके वो क्या धर्म की शिक्षा देगा, ऐसे लोग बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं। पर माता पिताओं को समझना चाहिए कि संतान कौन दिया है, भगवान। श्रील प्रभुपाद जी को एक जन ऐसे आके प्रश्न पूछे, श्रील प्रभुपाद जी उनको बताए कि आपको कोई अगर आपके पास चेकबुक है, बोले हाँ चेकबुक है, आपके पास पेन है, ना हाँ पेन है, ना चेकबुक के ऊपर जब पेन लेके हम आप सिग्नेचर करते हैं, वो जो पैसा है पेन का है या चेकबुक का है, तो किसका है, जिसका सिग्नेचर है। तो माता पिताओं को समझना चाहिए कि ये भगवान का सिग्नेचर आपके घर में आया और उसी सिग्नेचर को मैं भगवान के अकाउंट में डाल रहा हूं, तो आपको क्या परेशानी है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। तो हमको समझना चाहिए हमारे संतान हमारे घर के मानस देहोगे हो जे कुछ मोर और पीलू तुआ पदे नंद किशोर। तो ब्रह्मा जी ये उदाहरण दिखा रहे हैं कि उनके पास सामर्थ्य था देवताओं को सहायता देने का, पर ब्रह्मा जी आदर्श पिता का रोल निभा रहे हैं कि बता रहे हैं कि मेरा तो कुछ शक्ति नहीं है, भगवान ही शरण दाता है, भगवान के पास हमको जाना चाहिए। और भगवान के पास ब्रह्मा जी सब को लेके श्वेत द्वीप के पास पहुंचते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान पुरुष हैं इस ब्रह्मांड में, और वो भी मंदिर जा रहे हैं, हरे कृष्ण, वो बोल नहीं रहे हैं कि स्वामी जी मंदिर जाने की आवश्यकता है, घर में अंदर ही सब कुछ करेंगे। और आजकल के आधुनिक लोग जब हम मंदिर बुलाते हैं मंदिर नहीं जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं जाते हैं, कि भगवान तो सब जगह है। ब्रह्मा जी ने नहीं बोला कि भगवान सब जगह है, देवता लोग इधर प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग बीड बैग निकालो। हमको इससे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि हम घर में तो कर रहे हैं माला, घर में तो सेवा कर ही रहे हैं ठाकुर जी का, पर मंदिर जाके भक्तों के संग में एक सही वातावरण में सेवा करना भगवान के मंदिर में वो बहुत महत्वपूर्ण है।
ब्रह्मा जी ने देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि हम श्वेत द्वीप जाते हैं। भगवान तो श्वेत द्वीप का कहीं पे भी आविर्भूत हो सकते हैं, और ब्रह्मा बुलाएंगे और भगवान नहीं आएंगे, ये कहां है, कैसा है? फिर भी भगवान के धाम में भगवान का स्मरण बहुत अच्छा होता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने एक महत्वपूर्ण अंग भक्ति का बताया है, धामेर वास। धाम में जाके भगवान की लीला स्थली, भगवान की शुद्ध भक्तों की लीला स्थली में स्मरण करना, उनकी लीलाओं को, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करना, उनकी लीलाओं के बारे में कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन की लीला हम कहीं पे भी सुन सकते हैं, और जहां पे भी सुनेंगे वृंदावन आविर्भूत हो जाएगा। फिर भी हमको जाग इच्छा रहना चाहिए कि मैं वृंदावन जाऊंगा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल हमारे मन ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत बनाता है। हमारे मन में जैसे ही काम वासना जागृत हो जाता है, भौतिक जगत में परिणत हो जाता है, और जैसे ही प्रेम, भगवान की प्रेम में सेवा हो जाता है, विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व आध्यात्मिक जगत बन जाता है। फिर भी हमारे आचार्य गणों ने ये शिक्षा दिया है कि हमको इच्छा रखना चाहिए वृंदावन जाने का, गोलोक वृंदावन जाने का। श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे बैक होम, बैक टू गॉडहेड। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु कीतोय। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं कि प्रभु जी आप आशीर्वाद कीजिए, बस ये जीवन अंतिम जीवन ना, प्रभु जी नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी से विरुद्ध है प्रभु जी। मैं बोला कैसे विरुद्ध है? चैतन्य महाप्रभु बोले मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु कीतोय। जन्म जन्म में इधर ही रहिए और भगवान का सेवा कीजिए। आज इफ ललिता देवी विशाखा देवी खाली चक्की घुमा रहे हैं, कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, उधर इधर ही जन्म जन्म लेंगे तो भगवान का सेवा होगा। हमारी इंद्रिय भोग की आसक्ति है, और उसमें उस इंद्रिय भोग की आसक्ति से हम ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। भगवान के धाम में जाऊंगा तो मेरे को अपना गोपी नहीं मिलेगा, केवल भगवान को अपना गोपी, तो क्यों सेवा इतना रसमय नहीं होगा। तो हमारे हृदय में एक्चुअली इंद्रिय भोग वासनाएं हैं। इस दुनिया में सेवा हम कर सकते हैं भगवान का, पर जो तीव्रता से इस दुनिया में कर सकते हैं, थोड़ा कथा सुनने के बाद, सेवा करने के बाद भूख लग रहा है, और थोड़ा खाने के बाद नंबर टू लग रहा है, और वो दोनों करने के बाद अभी नींद लग रहा है। अगर देखा जाए कि कितना हमारी सेवा की सक्षमता है, और वो भी कलयुग की शरीर, खाओ तो पचता नहीं, और पचता है तो निकलता भी नहीं। हर चीज के लिए मेडिसिन, खाने के लिए मेडिसिन, उसको पचाने के लिए मेडिसिन, उसको निकालने के लिए मेडिसिन, करेक्ट है? सब तरह का मेडिसिन बना, और उसको खा के लोग और बीमार पड़ रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में भगवान की सेवा के लिए ये बना नहीं है। हम ये भौतिक जगत में भगवान की सेवा कर रहे हैं ताकि हम भगवान को बता पाए कि भगवान हम तैयार हो रहे हैं सेवा आपके जगत में कंटिन्यू करने का। हम आध्यात्मिक जगत नहीं जा रहे हैं उधर स्लीप वेल कॉर्लॉन मैट्रेस लगा के, अच्छा लग रहा है अभी पहुंच के आ गए हैं, दो तीन गोपियों को भेजिए
बहुत घूम के आया हूँ मैं, 84 लाख योनि घूम के आया हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा हाथ पैर दबाएंगे मेरे। ये मुक्ति कामना है। पर हमारे हृदय में जो इच्छा होना चाहिए कि इस जीवन में इस फटे हुए शरीर और वो भी कलयुग शरीर, पता नहीं कब पतन हो जाएगा, 34 साल में मेरा सब टॉक टाक टुक टाक करने लग गया है। खाता हूं तो पुटर 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 आवाज करता है, उठता हूं तो टक 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 आवाज करता है। तो मैं हर समय डेट ऑफ बर्थ देखता हूं कि 1987 में पैदा हुआ था कि झूठ लिखा है मेरे माता पिता ने। सोचिए, ये कलयुग शरीर है और इस शरीर में हम मम जन्मनि जन्मनि स्वरे करना चाहते हैं। और इसको हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सोचते हैं कि इसी शरीर में हम करेंगे। पर हमारी इच्छा होना चाहिए कि ये महाप्रभु, ये शरीर बिल्कुल उपयोग नहीं है आपकी सेवा में। और अगर हमारे पास सही शरीर भी है, सामग्री भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी, हम राधा रमन जी के लिए कुछ कुछ आइटम बना देते हैं। आध्यात्मिक जगत में एक भी आइटम का टेस्ट सेकंड आइटम के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता है। आज आपने बड़ा खाया, कल सुबह अगर बड़ा देंगे, क्या यात्रा कमेटी क्या कर रहा है, हर दिन ही बड़ा खिलाएगा क्या? करेक्ट, हर दिन रसगुल्ला आ रहा है और कुछ आइटम ही नहीं है। पर आध्यात्मिक जगत में एक बड़ा अगर हर मिनट में आप खाएंगे, हर मिनट में नूतन स्वाद आपको मिलेगा। ये आध्यात्मिक जगत है। आप बना सकते हैं ऐसे राधा रमन जी के लिए? इस जगत में बिल्कुल हम नहीं कर सकते। और इसी के वजह से हमारी इच्छा होना चाहिए भगवान के धाम में जाके राधा रमन जी की सेवा करें। इस जगत में हम राधा रमन जी का क्या सेवा कर सके? तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके श्वेत द्वीप पहुंचे। और ये जो श्वेत द्वीप है, हमारे आचार्यगण सुखदेव गोस्वामी भी बता रहे हैं कि विकुंठ विकुंठ करके और वैकुंठ विकुंठ करके एक सती नारी थी, देवी थी, उनके गर्भ में भगवान पैदा हुए थे एक मनवंतर में। ये चक्षुष मनवंतर, छठे मनवंतर की कथा है। पांचवें मनवंतर में वो आए थे और अपनी पत्नी बोली, मतलब लक्ष्मी जी बोली कि हम जब आते हैं इधर, एक सागर सागर में टिके रहते हैं, इधर रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको एक खाली 3 BHK 2 BHK फ्लैट, मेरे को पूरा वैकुंठ चाहिए और इसके अंदर चाहिए। सोचिए, ऐसा कोई कर सकता है पति अपने पत्नी के लिए? 3 BHK फ्लैट के अंदर उसको बंगलो एक्सपीरियंस चाहिए। सी इज अटैच टू स्टेइंग इन 3 BHK फ्लैट एंड उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो स्पेस है, सब कुछ बंगलो की तरह होना चाहिए। मतलब 1500 स्क्वायर फीट का जगह में आपको 5000 स्क्वायर फीट का डिमांड वो वाइफ कर रही है। कौन माइकेलाल हस्बैंड कर सकता है? केवल भगवान ने कर दिखाया। लक्ष्मी जी का इच्छा था कि मेरे को भौतिक जगत में वैकुंठ आप उतार के दिखाइए, मैं उस वैकुंठ में रहना चाहता हूं। और भगवान ने वैकुंठ अवतार लिया, वैकुंठ को लेके आए और पूरा परिवर्तित, मतलब उस वैकुंठ का एक एम्बेसी बनाए भौतिक जगत में और उधर लेके गए ब्रह्मा जी,
सारे देवताओं को, चलो श्वेत द्वीप में भगवान है। और भगवान को ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, पहला प्रार्थना हम उच्चारण करेंगे। श्री ब्रह्म उवाच, अविक्रियं सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयं निष्कलमा प्रतर्क्यम मनोग्रयानं वचसानुरिक्तम् नमामहे देववरं वरेण्यम् अविक्रियं सत्यम अनंतम आद्यम। भगवान अविक्रिय है। हमारे हृदय में, हमारे शरीर में छह विकार है। शरीर की छह विकार है और हृदय की भी छह विकार है। शरीर की छह विकार क्या है? हम जन्म ग्रहण करते हैं, हम बड़े होते हैं, हम नंबर वन नंबर टू करते हैं, प्रजा उत्पन्न करते हैं, हमारा परिस्थिति कुछ समय के लिए सही रहता है, उसके बाद वृद्ध होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो ये छह शारीरिक विकार है और छह मानसिक विकार है। किसका गाड़ी आगे खड़ा हो गया, अरे वाह, कोई अगर सुंदर है, बहुत अच्छे हैं आप तो, और कोई अगर आपकी कुछ सामान छीन के ले लिया, प्रभु जी मैं प्रभु हूं, आप दास हैं, आपको पता है ना। तो इस तरह हमारे मन में ये छह विकार होते हैं। पर ब्रह्मा जी पहला बात बता रहे हैं कि भगवान, हम सारे देवताओं को लेके आए हैं कि आप असुर लोगों के साथ युद्ध कीजिए, पर हमको पता है कि आप अगर असुरों के साथ युद्ध भी करेंगे, असुरों को कुछ करेंगे भी, वो काम क्रोध से ऊपर कृपा ही होगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं को प्रारंभ करते हैं, अविक्रियम सत्यम अनंतम आद्यम। आपके अंदर कोई भी काम क्रोध विकार नहीं है। आप हर समय, हर व्यक्ति को जिसके संस्पर्श में आप आते हैं, हर समय उसको कृपा दिखाते हैं। गुहाशयम निष्कलम अप्रतर्क्यम, गुहाशयम, सारे देवताओं के हृदय में, हमारे मेरे हृदय में आप बैठे हुए हैं। गुहा मतलब ये हृदय, हृदय को गुहा बोला जाता है। गुहा मतलब गुफा, क्योंकि किसके हृदय में क्या चल रहा है कोई नहीं बोल सकता है। हम पता लगा सकते हैं क्या चल रहा है, बट क्या चल रहा है बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। तो उसी तरह हृदय को इसीलिए गुहा बोला गया है, गुफा बोला गया है, क्योंकि किसके हृदय में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता है। गुहा स्वयं मतलब भगवान को पता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपको पता है कि हम क्यों आए हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुहास हैं। मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम, और मैं इधर आया हूं आपको प्रार्थना करने के लिए, वचसा निरुक्तम, आप वचन से ऊपर हैं, और हम कैसे आपका प्रार्थना करेंगे? पर नमामहे देववरम वरेण्यम, पर आपको अगर हम दंडवत करेंगे, आपकी शक्ति से हम जरूर आपको प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी अपना प्रार्थना का शुभारंभ करते हैं। बहुत सारे प्रार्थनाएं बताते हैं ब्रह्मा जी, भगवान की विराट रूप की प्रार्थना करते हैं, किस तरह भगवान ये ब्रह्मांड में अपना सारा सृष्टि और विस्तार किए हैं। और एक दो प्रार्थनाएं हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। क्लेश भूर्यल्प साराणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां नतैथैवार्पितं त्वयि। क्लेश भूरि अल्प साराणि, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि
जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और आपकी शरण में नहीं आते हैं, क्लेश भूरी एंडेवर बहुत करेंगे, अल्प साराणी एक ड्रॉप उनको रिजल्ट मिलेगा। कर्माणी विफलानी बा, और उतना परिश्रम करने के बाद जो एक ड्रॉप भी मिलेगा वो भी सही जगह पड़ेगा नहीं। मान लीजिए आप आप मान लीजिए आपको प्यास लग रहा है, आप बहुत परिश्रम किए और बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा, आपको फोन आया कि गौशाला में आपको पानी मिलेगा और क्या भी नहीं मिल रहा है, सब दौड़ रहे हैं गौशाला के लिए, सब पैसा है और आप सब पहुंचने के बाद गौशाला में आप पहले पहुंचे हैं तो आपको लग रहा है मेरे को पानी मिलेगा, इतना पानी का शॉर्टेज हो गया। और पहुंचने के बाद श्री निताय दास हरे कृष्ण दान दिखा के एक सीरिंज में एक ड्रॉप पानी आपके सामने डाल दिया, आपके मुख में भी नहीं डाला। ये विफलानी वाह है। विफलानी का मतलब है एक तो इतना परिश्रम करने के बाद प्रॉमिस इज ओनली वन ड्रॉप, एक बूंद जल मिलेगा उसी प्रॉमिस है और वो भी मुख में नहीं गिरेगा, आपके आंखों के सामने नीचे गिरेगा। तो ये भौतिक आनंद है, कितना भी उसको हम प्राप्त करने का कोशिश करेंगे हम कभी भी सफल नहीं होंगे। भगवान की शरणागति के बिना कितना भी हम कोशिश करें आनंद रहने के लिए, आनंद हमारे जीवन से दो कदम हर समय दूर रहेगा, दिखाई देगा जब जाएंगे वो दो कदम आगे, है ना। वही है कॉरपोरेट जीवन, वही है नौकरी, इस दुनिया का, इस संसार का कोई भी आनंद। एक गधा के एक छड़ी लगा हुआ है और एक झूल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और उस एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने के लिए वो आगे बढ़ता जाता है। पर उसको पता नहीं कि वो एम्प्लॉय नहीं गधा है, गधा होते जा रहा है हर साल उसका गधा ज्यादा बन रहा है। और इस तरह केवल कार्य में नहीं है, नौकरी में नहीं है, कुछ भी चीज आप देखिए, कोई भी तरीका हो, पढ़ाई में देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 10th में अच्छा मार्क लेके आ जाओ तो जीवन तो सब पूरा सेट हो गया। अरे बाप रे, तो ऐसा है, तो पढ़ लिया हमने 10th में टॉपर बन गए, बस 11th 12th बस हो गया, IIT में घुस जाओ कुछ तो कर लो, बस लाइफ पूरा सेटल हो गया, सेटल हो गया। फिर कर लिया, IIT में घुसा और IIT में घुसने के बाद बस ये 4 साल किसी तरह निकल जाओ और उसके बाद नौकरी लग जाएगी, अरे बहुत अच्छा पूरा हो गया। और नौकरी लगने के बाद HR बोलता है इतना साल आप कुछ भी नहीं पढ़े, अभी हम सिखाएंगे आपको। आप पूरा गधे हैं। अब उसके बाद MBA करो, तब जब MBA करता है, इसीलिए MBA का शीर्षक है महाभयानक असुर। अब करेगा भी तो क्या करेगा, इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं कर पाया। और हमने सुना है हमारे एक दोस्त जी थे,
जो एक भारत की सबसे प्रसिद्ध इन मैनेजमेंट कॉलेज में कार्य पढ़ाई किए थे, एक बार 2010 में वो हमको बुलाए थे कि जल्दी आओ जमशेदपुर। आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा कॉलेज की बात कर रहे हैं, जल्दी आओ जमशेदपुर। मैं बोला जल्दी कैसे आऊँ, उड़ के तो एयरपोर्ट भी नहीं है, मैं जल्दी आओ बात करना चाहता हूँ। और जो वो उस कॉलेज की दशा बताए उस रात में, हमने कितना दंडवत मारा, हे भगवान कितना आप कृपालु हैं, कितना कृपालु हैं आप, हमको हृदय में सही दिशा दिखाए हैं। तो पढ़ाई में भी कोई भी कार्य इस भौतिक जगत में भगवान के छोड़ के हम करते हैं, वो केवल क्लेश भूरी अल्पसाराणी, बहुत कष्ट करेंगे और थोड़ा आनंद मिलेगा, वो आनंद भी आगे गिरेगा और लगेगा तो इस बार में इस रेट से जाऊंगा कि गिरते समय उसको पकड़ लूंगा। लास्ट टाइम एक्सीलरेशन कम था पर हमको क्या पता है कि दुर्गा देवी हमारी पूरा एक्सेलरेशन मीटर देख रहे हैं। और ऐसे दुर्गा देवी कभी कभी डालते हैं कि ड्रॉप पूरा नाक में चिपक के जाता है और नीचे गिरता है। ऐसे कभी नहीं आनंद मिलता है। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों की परवरिश हो, घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, बिजनेस हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, अगर भगवान केंद्र में नहीं है, क्लेश भूरी दुख बहुत अल्प साराणी और विफलानी, और जो भी अल्पसार है वो भी केवल विफल होगा। तो ब्रह्मा जी भगवान को बता रहे हैं कि भगवान ये असुर लोग हर समय आपकी, देखिए असुर लोग कभी देवता, कितना भी देवता लोग शक्तिशाली हो जाएं, असुरों को कभी आक्रमण नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है जाके असुर के राज्य में जाके बैठ गए? ऐसे कहा गया है कि जो नीचे के लोक में जो वैभव है वो ऊपर के लोक के समान है। कुशल बिहारी प्रभु वो करने वाले हैं क्या, वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर सेमिनार, आप सबको स्वागत है रिपब्लिक डे के समय। तो उस समय प्रभु जी बताएंगे, आप सब सुनेंगे कि किस तरह जो अतल वितल सुतल लोक है, जो तलातल लोक है, उसका जो वैभव है स्वर्गलोक के समान है। ऐसे नहीं कि सब चूहा बिल्ली और चुचुंदर रह रहे हैं उधर, ऐसे नहीं है। आपको नहीं समझना चाहिए कि अतल वितल में सब चुचुंदर घुस रहे हैं, ऐसे नहीं। एक्सट्रीमली अपुलेंट, अत्यंत भव्य है, पर हम कभी भी नहीं देखते हैं कि देवता लोग सुतल लोक के ऊपर अटैक किए हैं, सुतल लोक के ऊपर बैठ जाएंगे, कभी नहीं। पर असुर लोग, उनके पास सब कुछ है, तल अतल सुतल वितल तलातल में देवताओं की से ज्यादा कभी कभी वैभव है, फिर भी असुर लोग संतुष्ट नहीं है, क्लेश भूरी अल्प साराणी। क्यों? वो सोचते हैं कि शायद देवताओं का भी हम अगर आक्रमण करके ले लेंगे हमको और आनंद मिलेगा, यहां आनंद नहीं मिल रहा है। पर आनंद क्यों नहीं मिल रहा है तल अतल वितल सुतल लोक में? क्योंकि भगवान नहीं है। और भगवान जब तक आपके जीवन में नहीं है, जब तक आपके पढ़ाई में नहीं है, जब तक आपके नौकरी में नहीं है, जब तक भगवान के साथ योग नहीं है, संयोग नहीं है, केवल दुख मिलेगा। ये असुरों के बारे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि असुर लोग ऐसे देवताओं को आक्रमण किए हैं, वो क्या उनके बारे में बताएं भगवान? कर्माणि विफलानि वा, उनका सारा कर्म विफल होगा। देहि नाम विषयार्तानाम, और उनका केवल कार्य है विषय आर्तानाम,
अपनी आनंद के लिए, अपनी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आर्तानाम, दूसरों को कष्ट देना। अर्थ मतलब समझते हैं, अर्थ मतलब फ्रस्ट्रेशन, अर्थ मतलब कष्ट देना। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासुर, अर्थ अर्थ मतलब कष्ट देना। असुर लोगों का कार्य है मेरा विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं दूसरों को कष्ट दूंगा, किसी तरह बाय हुक और क्रुक आई विल गेट इट। और देखो कितना देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। ना तथैवार पितम त्वयि, अगर आप नहीं हैं उनको केवल कष्ट मिलेगा हे भगवान। और अगर कोई, ये तो है जो भगवान के भक्त नहीं है, और अगर कोई आपका भक्त है जैसे ये देवता लोग ब्रह्मा जी बता रहे, नावम कर्म कल्पोपी विफलायेश्वरार्पिता कल्पते पुरुषश्चैव सह्यात्मा दयितो हितः। नावम कर्प कर्म कल्पोपी, थोड़ा सा नावम कर्म से कल्प अपि फल मिलेगा। नावम, नावम मतलब छोटा सा इनसिग्निफिकेंट एंडेवर, थोड़ा सा कर्म, और कल्प अपि अत्यंत बृहत, आपको आनंद मिलेगा। अगर कोई दैतो हितः, अगर आपका कोई दैत बन जाता है, आपका कोई अगर प्रिय बन जाता है, आप किसी को प्रिय बन जाते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं, या कोई अगर आपको प्रेम करने लग जाता है, तो थोड़ा सा कार्य में उसको बहुत ज्यादा फल मिल जाएगा। और ये हम अपने जीवन में देखे हैं। हम जब पढ़ाई करते थे तो कितना कम पढ़ाई करते थे, भक्त लोगों को लगता था कि फेल हो जाएगा और इस्कॉन का नाम डूब जाएगा। कितने भक्त लोग हमारे, जो भी ब्रह्मचारी लोग हमारे मेरे आध्यात्मिक शिक्षा गुरु सब लोग आते थे कि बोलते थे कि श्री निताय पढ़ लो थोड़ा, अगर तुम फेल हो गया, तुम टॉपर था और जब भक्त नहीं था, अभी फेल हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सब तो माया है। ये तो माया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मार्क्स लेके आए, टॉपर बने। बोला आप चाहिए प्रभु, मैं कैसे करूँ, अभी तो इच्छा चला गया अब पढ़ने का। और हम केवल कक्षा में रहते थे, बाकी लोग सब कक्षा में सोते थे, और टीचर लोग जो पढ़ाते थे उसी को नोट डाउन करके जाते थे, और सेमेस्टर भर कुछ पढ़ाई नहीं करते थे। और हम देखते थे हमारे दोस्त लोग इतना पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में कीड़ा बन के पूरा सब लाइब्रेरी खा लेते थे, और उनका आदत, और हम जाते थे 15 मिनट उनके साथ थोड़ा आदान प्रदान करते थे, फिलोसॉफिकल डिस्कशन, उसमें तो हम आ ही रहे। फिलोसॉफिकल डिस्कशन, प्रभुपाद का इतना सारा मॉर्निंग वॉक, इतना सारा डिबेट सुन के, ये सब तो बहुत अच्छे से आता है। और हम पढ़ते, बातचीत करते थे, और उन्हीं का असाइनमेंट लेके आते थे, उसी को छापते थे, और हमारा 9.6 आता था और उनका 8.5 आता था। अब कौन द्वेष नहीं करेगा भक्तों से, सोचिए। अब यही होने वाला है, भगवान इतना सुंदर मोहिनी मूर्ति बन के आएंगे, और मोहिनी मूर्ति इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि आप मत सोचिए उसके बारे में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि लक्ष्मी जी को श्रृंगार करते हुए देख के भगवान का झगड़ा हुआ कि लक्ष्मी जी का बहुत एक्चुअली वो हो गया था कि मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान बोले क्या सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं।
लक्ष्मी जी को मोहित कर दिया मोहिनी मूर्ति जब भगवान स्त्री के अवतार में आए, और वही मोहिनी मूर्ति जो लक्ष्मी जी को मोहित कर दिए, वही मोहिनी मूर्ति जो शिव जी को मोहित कर दिए, देवता लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पूरा अभिक्रियम, दे आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड। ये भगवान की शक्ति और माया है। कौन किससे अफेक्टेड होगा? कृष्णा रिजर्व्स द राइट। तो हमको लगेगा कि माया मेरे को फंसा नहीं सकता है, क्योंकि माया को पूरा स्टडी कर लिया, और पूरा स्टडी करने के बाद एक चैप्टर वो किताब में मिसिंग है, उसी चैप्टर से माया देवी क्वेश्चन डालेगी, और आपको लगेगा बुक तो मेरे पास है, और माया देवी खुद सेल करती है वो बुक, लीजिए लीजिए, माया को क्या आक्रमण करने का, माया के ऊपर विजय प्राप्त करने का किताब, आंसर सिट, इसको फिल कीजिए एंड यू आर द कॉन्करर। पर एक चैप्टर मिसिंग है, और कौन बोलेगा दुर्गा देवी को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था? नो वन। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हमको यही शिक्षा देते हैं कि भगवान को केंद्र करेंगे तो जीवन में आनंद मिलेगा। थोड़ा सा देवता लोग ने परिश्रम किया, भगवान ने असुरों को पूरा सब कुछ विफल करवा दिया, और देवताओं को इतना आनंद से अमृत पिलाया, एंड देवता लोग कुछ भी मोहिनी मूर्ति से अफेक्टेड नहीं हुए, शिव जी अफेक्टेड हो गए। देवता लोग भगवान की मोहिनी मूर्ति को चतुर्भुज नारायण की दर्शन कर रहे थे, असुर लोग मोहिनी देख रहे थे, और शिव जी हरे कृष्ण कथा आगे आएगा। तो कृष्णा रिजर्व्स द राइट, भगवान के पास वो शक्ति है, आपको क्या फिल्म दिखाएंगे और कौन से फिल्म में आप बोल्ड होंगे वो दुर्गा देवी को पता है। इसीलिए भगवान का शरणापन्न देवता लोग ही उनको सब फल मिला, और भगवान एके एवश्वरस्तस्मिन् सूरकार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो अवतार भगवान अभी ग्रहण लेने वाले हैं वो अजित अवतार है, और अजित अवतार ऑलरेडी ले लिए हैं पर वो शादीशुदा नहीं है। बिहार तु कामा, भगवान सोच रहे हैं कि मेरे को शादी भी करना है, शादी करके पत्नी को दिखाना भी है कि किससे शादी किया, कौन कितना मैं सुंदर हूं, और वो दोनों भगवान की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास शक्ति था कि देखिए एक एवे स्वरस तस्मिन सूर कार्य सुरेश्वर। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ समुद्र मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान चुटकी बजा के सब कुछ छीन के फिर से देवताओं को वापस दे सकते थे, पर विहर्तु कामस्तान आह, तान आह मतलब भगवान बोलने लग गए ये सोच के इसी शादी भी करना है। देखिए हमारे शादी में मक्खन बनता है, बटर खिलाते हैं बारातियों को, भगवान ने शादी किया पूरा अपना जो खीर सागर है उसको पूरा मक्खन बनाने के लिए, और उस खीर सागर से जागृत हुई उनकी फियांसी। जस्ट इमेजिन, शादी.com नहीं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट नहीं, खीर सागर को मथने के बाद भगवान की पत्नी जागृत हुई। सोचिए क्या एडवेंचरस डेस्टिनेशन वेडिंग है।
और क्या एडवेंचरस है, तो वो भी हम कथा आगे जाके सुनेंगे। और दूसरा है, भगवान का ये लक्ष्य था कि मैं पत्नी को दिखाऊंगा कि जो श्रृंगार कर करके थक थक के इतना सुंदर बनती है, मैं बिना श्रृंगार का कैसे मैं सुंदर दिखता हूँ। और भगवान मोहिनी मूर्ति के अवतार में आए, सुखदेव गोस्वामी भूरी भूरी मोहिनी मूर्ति का गुणगान करते हैं कि किस तरह मोहिनी मूर्ति का पूरा शरीर का सौंदर्य था। तो ये दो रीजन, कारण के लिए भगवान ने बिहर तुकामस, भगवान ने समुद्र मथनाधि भी, समुद्र मथन करने का लीला रचाया। अभी भगवान एक एक करके नेक्स्ट श्लोक से बताएंगे। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, हंत ब्रह्मन् अहो शंभो, हे देवा मम भासितम्, श्रुत्वा वहीता सर्वे, श्रेयो वश्याद् यथा सुरा। हे देवता लोग, हे ब्रह्मा, हे शिवा, सुनो, मैं ध्यान पूर्वक सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। या तदानवदैतेया तावत् संधिर्विधीयता कालेनानुगृहीतस्तये यावत् वो भव आत्मनः। आप दानव दैत्य लोक के साथ संधि बनाइए। हरे कृष्ण। भगवान बोले कि आप आपके शत्रु के साथ हैंडशेक करने जाइए, हम दोनों कुछ करेंगे। सोचिए, भगवान को शरणागति करने से पहले सोचना चाहिए। जैसे आप सब लोग राधा रमन जी के सामने आए हैं, ओ राधा रमन, आप इतने सुंदर हैं, देवता लोग आए हैं, बट हम जब भगवान की शरणागति में आए हैं तो हमको समझना चाहिए भगवान क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको फॉलो भी कर पाना चाहिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं, जाके दानवों के साथ हाथ मिलाइए। पति पत्नी हाथ मिलाने में मुश्किल हो जाता है, और देवताओं को दैत्यों के साथ हाथ मिलाने के बोले। और अमृत प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाना, संधि बहुत महत्वपूर्ण है। संधि का दूसरा अर्थ है सिम्बायोसिस। संधि मतलब मैं आपको कुछ दूंगा और आपसे कुछ प्राप्त करूंगा, ये संधि है। संधि सेवा नहीं है। भगवान नहीं बोल रहे हैं कि देवताओं को जाके सेवा करो। भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको कुछ दूंगा, देवता लोग आप जाके दानवों के साथ संधि बनाइए। और क्यों? क्योंकि काल अभी आपके सपोर्ट में नहीं है। काल बहुत महत्वपूर्ण है, और काल का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है कुछ ही भी कार्य करने के लिए। जैसे आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आ गया है और रविवार सुबह वो घुसा है, आप कितना भी फाइट मारिए रविवार को उसको बैंक में जाके निकाल नहीं सकते हैं। बैंक वाला क्या बोलेगा, कल आइए। आप बोलेंगे 1 करोड़ आया, 1 करोड़ के 10 करोड़ भी आया, आप वेट कीजिए, 1 दिन का हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। काल बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि अभी आपका काल आपके फेवर में नहीं है, आप जाके संधि बनाइए। तो अमृत प्राप्त करने के लिए हमको संधि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो समन्वय की शिक्षा आचार्यगण यहाँ पे बताते हैं कि
हमको समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति, भगवान की कार्य, भगवान की सेवा करने के लिए हम इस भौतिक जगत में अकेले सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी भगवान की कार्य करने के लिए हमको संधि करना चाहिए। एंड संधि करेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट में थे और ये पासपोर्ट पूछ लिए, वीजा पूछ लिए उनके शिष्य को, श्रील प्रभुपाद का इमिग्रेशन वाले, वो गुस्सा हो गया, हाँ शुद्ध भक्त को पासपोर्ट पूछ रहा है, वीजा पूछ रहा है, उसको क्या पता कौन शुद्ध अशुद्ध क्या है। तो वो श्रील प्रभुपाद को एक दिन डिटेन करके रख दिया। श्रील प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए, नालायक, उसको पासपोर्ट दिखाता तो मेरा फ्लाइट नहीं मिस होता, एक दिन इधर बंद कोठरी में पढ़ना पड़ा। तो इस दुनिया में कुछ भी अगर हमको करना है, उन लोगों के साथ भी हमको संधि करना पड़ता है। और सोचिए कितना हमको परिवार वर्गों के साथ समन्वय लेके हमको चलना चाहिए। अगर भगवान देवताओं को दैत्यों के साथ फिजिकली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, सोशियली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली किसी भी तरीके से उनका कुंडली मैच नहीं होता है, और वो लोगों को भगवान ने भेजा कि आप जाओ संधि करने के लिए उनके साथ, और देवता राजी हो गए। तो कल हम जब आएंगे कक्षा से पहले एक डिस्कशन करेंगे, और पहला शीर्षक है कि कैसे, क्या क्या तरीका है पति और पत्नी के बीच में जो संधि नहीं हो पाता है, मतलब देयर इज नो समन्वय। तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करने का मौका मिलेगा, झगड़ा मत कर लीजिए, इसलिए हम पति पत्नी को अलग ग्रुप में रखे हैं। और कैसे ये झगड़ों को एक भगवान को केंद्र नहीं रखते हुए व्यक्ति सटकाने का कोशिश करता है और वो विफल होता है, और कैसे ये समस्याओं को भगवान को जब हम केंद्र में रखते हैं तो आसानी से ठीक हो जाता है। तो कल हम ये सारे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और आगे भगवान क्या क्या बताएंगे। भगवान पहले संधि बता रहे हैं करने के लिए, और भगवान अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि आप शुक्र नीति पालन कीजिए। तो हम कल नीति शास्त्र भी थोड़ा देखेंगे, हाँ। तो क्या भगवान कैसे नीति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री समुद्र मंथन लीला की, श्री कृष्ण भगवान की, ताय गौर प्रेमानंद वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।